नमस्कार। उत्तर प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर से। यूपी में एयर ट्रैवल को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में 17 नए रूट पर हवाई सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सहारनपुर, बरेली और मेरठ में नए हवाई अड्डे भी बनाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। प्रदेश में हवाई सेवा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की संख्या में 9.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक यूपी के कई शहरों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासकर ये अलर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से नई मानसूनी हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा कई इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो मानसून के 10-15 दिन देरी से लौटने की भी आशंका खड़ी हो सकती है। यूपी सरकार अब ऐसा प्रावधान लाने की तैयारी में है जिससे सरकारी नौकरी करने वाले के लिए जीवन अब उतना आसान नहीं रह जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स का दावा है कि ऐसी स्थिति में शुरुआत में कर्मचारी को संविदा पर रखा जाएगा। इस 6-6 महीने पर उसके काम का मूल्यांकन होगा। इसमें कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये पूरी प्रक्रिया 5 सालों तक चलेगी। हालांकि अभी इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में अफसरों के तबादले का क्रम जारी है। रविवार को एक बार फिर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के 10 अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें 7 जिलों के SP बदल दिए गए हैं। इन जिलों में मऊ, जौनपुर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती और कासगंज शामिल है। SP मऊ मनोज कुमार सोनकर को SP कासगंज बनाया गया है, जबकि कासगंज SP धुले सुशील चंद्रभान को मऊ भेज दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल की खुदकुशी और महोबा में कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की रोजगार विरोधी सरकार और यूपी में फैले जंगल राज के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि सोमवार को महोबा जाने के क्रम में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।